से पूछता हूँ कि तुम लोग फिर लातक को होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे, किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे। दूसरी वीडियो भी दिखा, मुझे पता है तमाम मकाबले फिक्र का, बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से करता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं, इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपने हजरत का बयान सुना, ये कहते हैं कि ये तमाम मदारिस जो है वो जिना के अड्डे बन चुके हैं, वहां बच्चियां इनको अवेलेबल होती हैं, हुजरों के अंदर बच्चे इनको दस्तियाब होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं और किसी एक मदरसे को आप क्लीन चिट देते हैं। कितनी बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है जो हजरत दे रहे हैं। अब कुरान मजीद क्या कहते हैं, कुरान मजीद कहते हैं कि ये जिना की तोहमत लगाना, अगर कोई शख्स किसी पाक दामन के ऊपर जिना की तोहमत लगाता है और फिर उसके लिए चार गवाह नहीं लेके आता तो उसको क्या करो, 80 कोड़े उसको मारो, इसको हद कजफ कहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि हजारों मदारिस हैं और उसमें पढ़ने वाले लाखों लाखों पढ़ाने वाले उलमा और तलबा हैं, ठीक, तो 80 कोड़ों को आप लाखों से जरब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इन हजरत की सजा बनती है। फिर यह है कि अब जहरी बात इस्लामी रियासत तो है नहीं, इनको कौन ये सजा देगा? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर होते तो इनको सजा ये जारी करते, लेकिन इनको खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये हदीस दिखाएंगे, ये इमाम बुखारी अपनी किताब अदबुल मुफरद में लेके आए हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने किसी ने जो है वो किसी लौंडी को या जानिया कह दिया, तो फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर तुझे दुनिया में हद नहीं लगी तो आखिरत में तुझे हद जरूर लगेगी, किसी खुशफहमी में ना रहो। तो अब अगर इनको उलमा माफ नहीं करते, सारी बात है ये तो हुकूकुल इबाद में से है, तौबा करने से तो ये माफ नहीं होगा, इन्होंने तो जिना की तोहमत लगाई है तमाम उलमा के ऊपर लगाई है, किसी मदरसे को कहा कि जी क्लीन चिट दे दे, तो अब अगर वो सब इनको माफ नहीं करते, एक एक तालिबे इल्म एक एक उस्ताद, उस वक्त तक आखिरत में इनके ऊपर जो है ये हद जारी होगी। इसके बाद कुरान मजीद ने क्या कहा कि ऐसा शख्स जो है इसके ऊपर एक तो हद कजफ लगनी चाहिए, दूसरा उसकी शहादत कभी कबूल ना करें, और तीसरा क्या कि वो फासिक है। अब मुझे बताएं दीन से बढ़ के क्या शहादत होगी, दीन से बढ़ के क्या गवाही होगी, यानी दीन बताने वाला क्या कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल ने ये बात कही, वो गवाही दे रहे हैं ना अल्लाह और उसके रसूल ने ये बात कही। तो जो शख्स मुसलमानों के ऊपर बुहतान लगाए, जिना की तोहमत लगाए और साबित न करे, अब एक एक मदरसे के बारे में एक एक उस्ताद के बारे में चार चार गवाह ला सकते हैं ये? ठीक है, नहीं ला सकते ना, तो ये साबित हो ही नहीं सकता, अकली एतबार से ये साबित हो मुमकिन ही नहीं, हर मदरसे के बारे में साबित कर सके, तो ऐसे आदमी की गवाही काबिल कबूल नहीं, ऐसे आदमी से दीन लेना हराम है, जायज नहीं है, कुरान ने क्या कहा, और ये फासिक भी है, फासिक भी है। हाँ, तौबा कर ले तो फासिक व फाजिर हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि गवाही उसकी फिर भी काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद कुरान ने क्या कहा कि जो पाक दामनों के ऊपर तोहमत लगाते हैं वो क्या है, उनके ऊपर दुनिया आखिरत में लानत हो, यानी ऐसे शख्स को आप मलून भी कह सकते हैं और उसके लिए आखिरत में जो है वो बहुत बड़ा अजाब है। तो अब मिर्जा साहब के जो है वो फॉलोअर से आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी आप छोटे छोटे इनके क्लिप्स क्यों चलाते हैं, ओ भाई हम 3 मिनट के क्लिप में इनका 30 मिनट की वीडियो क्यों दिखाएं, इनकी सारी वीडियो जो है वो नजर आ रही है, उनका यूआरएल नजर आ रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे पड़ी है, यूट्यूब पे फेसबुक पे पड़ी है, आप सारी वीडियोस देख लें, कॉन्टेक्स्ट देख लें, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हाफिज साहब आपका ये मिजाज नहीं है, ठीक है हमारा ये मिजाज नहीं है, लेकिन बात यह है कि इनका फितना बहुत बढ़ गया, बहुत सारे दोस्तों ने हमसे इसरार किया, हमने अपने मिजाज के खिलाफ चलते ये छोटे छोटे से जो है वो क्लिप्स बनाना शुरू किए हैं और हम 1-1.5 महीने के बाद जो है वो इंशाल्लाह से अपने YouTube चैनल से इनको हम इनको इंशाल्लाह से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे ये मिजाज नहीं है। तो इसलिए मेरी अपने दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरे YouTube चैनल पे जो शॉर्ट क्लिप्स पड़े हैं आप इनको फैलाएं, आम करें, ये बहुत बड़ा फितना है, आप इस हवाले से YouTube पे चैनल बनाएं, ठीक है, तो मतलब हमारी तरफ से खुली इजाजत है। लेकिन ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हाफ साहब आप सस्ती शोहरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मिर्जा ने सस्ती शोहरत के लिए कादियानियों के हक में जो है वो नरम बयान नहीं दिया, मिर्जा ने जो है वो सस्ती शोहरत के लिए जो है वहां पे जाके फोटो सेशन नहीं करवाया, हाथ छोड़ के नमाज नहीं पढ़ाई जो है अहले तशय्यो के यहां, मिर्जा ने जो है वो सस्ती शोहरत के लिए हजरत अमीर मुआविया और दूसरे जलीलुल कदर साहबा के ऊपर लान तान नहीं किया, फिर कहते हैं क्या लान तान किया, भाई उनका किताबचा उठा के देखें, वाकई करबला का हकीकी पस मंजर जिसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को शराबी, हराम खोर, सूद खोर और मतलब क्या कुछ बागी और वाजिबुल कतल क्या कुछ नहीं साबित करने की कोशिश की है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम इंशाल्लाह से 1-1.5 महीने ये सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी, हम ये क्लिप्स बनाएंगे, इनके इस किस्म के इल्जामात की वजह से हम ये चीजें रोकेंगे नहीं, बाकी ये है कि ठीक है हम इनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करते।
मतलब इनको अपलोड करने के बाद हम इनको डिलीट कर देंगे। फिर कहते हैं कि आप छोटी छोटी गलतियां पकड़ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं छोटी छोटी गलतियां। भाई ये हमने आपको तंजन कहा था कि ये आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां, तो ठीक है इसको मान लो ये छोटी छोटी गलतियां, लेकिन कुरान कहता है कि ये छोटी छोटी गलती के ऊपर 80 कोड़े सजा जारी होती है, लागू होती है। इस सजा को मानो, कुरान के इस फैसले को मानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।